जेलर के सामने मुनव्वर ने मारी पलटी, कहा कोई परेशानी नहीं, नाराज हुए कैदी। रियलिटी शो लॉकअप में जेलर की एंट्री के बाद हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जेलर ने कैदियों द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट का मुद्दा उठाया और सभी से सवाल किया था। उस वक्त मुनव्वर ने ये कहा कि उन्हें खाने पीने के टाइमिंग को लेकर कोई परेशानी नहीं है, उन्हें लगता है कि खाना उन्हें टाइम पर मिल रहा है। जबकि मुनव्वर ने दवा, डॉक्टर और पीने के लिए गर्म पानी के बारे में शिकायत की, लेकिन मुनव्वर का ये कहना कि खाने पीने को लेकर कोई समस्या नहीं है, बाकी कैदियों को बुरा लग गया। और जेलर के जाने के बाद इस विषय पर कंगना की जेल में बहस होती हुई नजर आई है। निशा रावल और जेल में मौजूद कुछ कैदियों को ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर ने जेलर के सामने पलटी मार दी है। जरूरत वाली चीजों को लेकर वो भी प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। इसी बात को लेकर निशा और मुनव्वर में जबरदस्त बहस देखने को मिली। मुनव्वर ने निशा को ये समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जेलर के सामने पलटी नहीं मारी है, बल्कि अपना पॉइंट रखा है। उन्हें लगता है कि खाने पीने को लेकर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है, खाना उन्हें हमेशा वक्त पर मिला है। जिस चीज को लेकर वो परेशान हुए हैं, उसकी शिकायत उन्होंने जेलर से की। जबकि निशा रावल का ये कहना है कि उन्हें जेलर के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि खाने पीने की चीजों को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई है, और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होती रही। जेल में अधिकतर कैदी मुनव्वर की बात से सहमत नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो निशा रावल की बात से सहमत हैं। अधिकतर कैदियों को अब ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो सही नहीं था। अगर प्रोटेस्ट वो नहीं करते तो उन्हें उनके जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती। बहरहाल जेलर के आने के बाद एक फायदा उन्हें जरूर हुआ है, शाम के नाश्ते के वक्त उनके लिए वड़ा पाव और समोसा मंगाया गया था। जेल के भीतर शाम के वक्त समोसा पार्टी हुई है। अब देखना ये होगा कि जेलर का कैदियों को अगला उपहार क्या मिलता है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।